नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धूरिया। सोमवार को निर्जला एकादशी के मौके पर वाराणसी में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने गंगा में नदी में आस्था की डुबकी लगाई और दान कर पुण्य प्राप्त किया। आपको बता दें कि साल की सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। बिना पानी के व्रत को निर्जला व्रत कहा जाता है और निर्जला एकादशी का उपवास किसी भी प्रकार के भोजन और पानी के बिना ही किया जाता है। उपवास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन माना जाता है। निर्जला एकादशी क्या होता है? प्रत्येक माह में एकादशी व्रत का अपना महात्मा है। निर्जला एकादशी के दिन जल का भी ग्रहण नहीं किया जाता। ऐसा मानना है कि माँ गंगा का अवतरण गंगा दशहरा के दिन हुआ और आज के चूंकि भगवान विष्णु के चरण से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है और एकादशी व्रत भगवान विष्णु का ही है। आज तो एक साल के बीच एकादशी सब लोग मेरा जल भर भी रहता है। इसमें क्या क्या दान होता है? इसमें घड़ा दान होता है, फल दान होता है, पैसा दान होता है, कपड़ा दान होता है, जितना अपनी शक्ति अनुसार सब कुछ दान होता है। इसके पहले ऐसे भीड़ होती थी कि ज्यादा भीड़ होती? अरे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, अब की तो कोरोना के लिए नहीं। वहीं से पहले रविवार को गंगा दशहरे के मौके पर हरिद्वार में हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा की पूजा अर्चना कर डुबकी लगाई और दान कर पुण्य कमाया। आपको बता दें हरिद्वार जिले की सीमाएं सील होने के दावे के बावजूद बारिश और कोविड की चिंता छोड़ बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे थे। पुलिस प्रशासन ने 19 जून की रात से ही प्रदेश की सीमाएं सील करने का दावा किया था। पुलिस की सभी तैयारियां धरी की धरी रह गई। बॉर्डर पर सख्ती के बावजूद पार्किंग में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के नंबरों के चौपहिया वाहन नजर आए, जबकि पुलिस प्रशासन ने शनिवार को दावा किया था कि जनपद के सभी बॉर्डर से 27,000 वाहन लौटाए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यानी कि कोरोना पर आस्था भारी नजर आई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।